अब ऑन हुआ है, अब आई है आवाज, अब आवाज आ गई होगी। और 5-7 मिनट पहले थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी यहीं पर जहाँ पर भी हम लोगों का सेटअप है। तो अब कहते हैं कि आपकी दुआओं ने काम किया और एकदम से ही एग्जैक्ट 11 बजे लाइट आई है और तुरंत हम लोग सारा तैयार करके बैठे थे। आवाज़ आ रही होगी कमेंट के थ्रू, एक बार सभी बच्चे, कुछ बच्चे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिएगा, कल की क्लास तो हम लोगों नहीं ली कि संडे है, एक आध दिन आपका भी रेस्ट ज़रूरी है, नेट से फिल्में भी देख लेनी चाहिए, गाने भी सुन लेने चाहिए। और आज दोबारा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने के क्रम में हम लोग आगे हैं। आज आपको स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सफलता के लिए ज़रूरी कदम, हर रोज़ कुछ ना कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपका ज़रूरी है। क्या चीज़ कनेक्ट होती है, तो बस आज तो मैं इतना सही आपको बता रहा हूँ कि उतावलापन नहीं, धीरे धीरे बहुत आराम से सॉलिड काम करते चलिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, गुस्सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से और अपने आप को संयम और अनुशासन के साथ, ठीक है? तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आप ये चारों चीज़ें आज आप सीख लेना, देख, ठीक है? देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, आज बहुत अच्छी क्लास है और कुछ कैलकुलेटिव चीज़ें भी कराऊंगा मैं मेंस की आई हुई, और आज करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट के लिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे जाएगा अभी आपको। देखिएगा भाई, देखिए, उधार ली गई कोई राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाई गई, तो उधार ली गई राशि कितनी है? स्टार्ट करें, खूब सारे बच्चे आ चुके होंगे और बुलाया करो ताकि पिछली क्लास का जो आपका रिस्पॉन्स रहा है उससे और जोश चढ़ता है कि तैयारी करने का मन करता है कि हाँ एक अच्छी तैयारी के साथ आपके पास आए। और आज इंस्टॉलमेंट के इतने बहुत आसान आसान मेथड और बहुत प्यारे प्यारे मेथड, छोटे छोटे मेथड जिसे बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से अपन हैंडल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, 882 रुपये की किस्त है और राशि मेरे को बतानी है और दो किस्तें हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 5% जो रेट आपको दे रखी है, 5% होता है 1/20। अगर आप किसी से 20 रुपया उधार लेंगे तो 1 साल के बाद आप कितना पैसा दे देंगे भाई? 21। अगर बात दूसरे साल की है तो 20 का स्क्वायर कर दो 400 और 21 का स्क्वायर कर दो 441। यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं, कंसेप्चुअल बात है, बड़ा ध्यान से समझना एक एक बात को। अब इसने बोला है कि 2 बराबर वार्षिक किस्त, जो राशि हम किसी को देते हैं ना उसको किस्त बोलते हैं, तो अगर अपन ने 20 रुपये लिए थे तो लौटाए कितने? 21। ये है किस्त, टुकड़ों में देना, देने वाली राशि की साइड आती है किस्त। अब उसने बोला किस्त बराबर है तो यहां अगर 441 है तो यहां पर भी 441 आना चाहिए, और 441 आना चाहिए तो मैं कितने की गुणा कर दूंगा? 21 की गुणा कर दूंगा। इधर अगर 21 की गुणा है तो इधर भी आप 21 की गुणा कर दो, इधर अगर 21 की गुणा है तो उधर भी। यानी अगर आपने 420 और 400, 820 रुपये अगर किसी से लिए होते ना तो आप उसको दो किस्तों में पैसा देते, 441 की पहली किस्त और 441 की ही दूसरी किस्त। टोटल नहीं करना यहां पर क्योंकि उसने टोटल अमाउंट नहीं पूछा, उसने किस्त की राशि दे रखी है। या अगर जो बच्चे बहुत डिटेल में चीजों को नहीं देख पाते तो इतना सा ध्यान रखो, कभी भी बराबर बनाने वाली चीज को जोड़ते ही नहीं है कभी भी। तो अगर आपने 820 रुपये किसी से लिए हैं तो 441 रुपये की किस्त बन जाएगी।
अगर 820 रुपए किसी से लिए हैं तो 441 की किस्त बना जाएंगे, क्योंकि 441 पहली बार दे देंगे और 441 दूसरी बार दे देंगे। समझ गए होगे बात को। लेकिन इसने बोला कि भाई 441 नहीं, यहां पर आपने पैसा लौटा कितना दिया, 882। किस्त तो दोगुनी आ गई, दो एकम दो, दो चौका आठ, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रतीक मान उतने गुना है, प्रतीक वैल्यू उतने गुना है, तो ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन आपके सामने है, तो आंसर आ जाएगा 1640। यानी सबसे पहली बार उसने आपको किस्त दी और आपसे पूछ लिया कि आपने राशि कितनी ली थी, ये चीज उसने आपसे पूछ ली है। क्लियर है बात सभी को, सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि पहला ही क्वेश्चन है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि बाद में आप अपने आप लिखते रहें चीज़ों को, कि दो साल के लिए आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि स्क्वायर कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछली कंसेप्चुअल क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन आज स्पेसिफिक फोकस है अपना कैलकुलेशन के ऊपर, कि ये इंस्टॉलमेंट के ऊपर, सॉरी। तो इंस्टॉलमेंट का पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइएगा सर क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं। दूसरा बदल के क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिएगा। इसने बोला है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से पढ़िएगा पहला क्वेश्चन। इसने बोला कि हरेंद्र सिंह ने 8400 रुपये की का ऋण दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाया है, यानी पैसा जितना लिया था ना इस बार वो दे रखा, उल्टा दे दिया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए कितनी है। तो इसने बोला 10%, और 10% कितना होता है, 1/10। यानी अगर आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए तो एक रुपए के साथ टोटल कितने हो जाएंगे, 11 देने पड़ेंगे। अगर दूसरा साल है तो 10 का स्क्वायर कर दोगे आप 100, और 11 का स्क्वायर कर दोगे आप 121। क्लियर है। अब इसने बोला कि इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर है तो कितने की गुणा हो जाएगी, 11 की। इधर अगर 11 की गुणा है तो इधर भी 11 की गुणा कर दो, 110। अब मैंने आपको ये तो बात बताई है कि जो बराबर बनाते हैं ना उसको तो कभी जोड़ो ही मत, आप कभी जोड़ो ही मत। और वैसे भी आपको किस्त की राशि बतानी है तो अलग अलग बतानी है ना, किस्त कितने कितने की थी, जोड़ के टोटल थोड़ी बताना है। कंसेप्ट वाले बच्चे भी समझ गए, सीधा याद रखने वाले भी, कि अगर 110 और 100, अगर आपने किसी से 210 रुपये उधार लिया है, अगर आपने किसी से 210 रुपये उधार लिया है तो इंस्टॉलमेंट कितने की बन जाएगी, 121 रुपए की। 210 रुपए आपने किसी से लिए हैं तो इंस्टॉलमेंट बनेगी 121 रुपए की। लेकिन इसने बोला कि आपने 210 रुपए नहीं लिए, आपने रुपए लिए कितने हैं, 8400। 0 से 0, 21 चौका 84, 0 40 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 40 गुना पर अगर आपका बैठेगा तो 4840, तो आंसर आ जाएगा 4840 रुपए। सिंपल सी लॉजिक है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है कि एक साल के लिए आप सीधा सीधा लिख दो और दो साल के लिए आप स्क्वायर। देखिएगा वीडियो के अंत में जो लास्ट क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे पिछली क्लास के अंदर आपको एक एनर्जी बूस्टर मिला था ना, वो इस क्लास के एंड में भी है। लेकिन बस ऑफलाइन वाले बच्चों को पता है, अब धीरे धीरे आपको ही पता लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से चीजों को उठाते हुए धीरे 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 एक बात को सिखाते हुए, क्योंकि लाखों की भीड़ में से निकलना है ना तो तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। और तरीका बदलाव का यही है कि वो पढ़िए जो पेपर में आना है, बेहतरीन तरीकों से पढ़िए, याद करने के लिए लगातार कंसिस्टेंट प्रयास करिए, बस जुड़े रहिए। सिखाने की गारंटी हमारी, आप अपना समय और थोड़ा सा जो नेट दे रहे हैं ना, यही बहुत बहुमूल्य योगदान है आपका। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर भी किया करो, ताकि हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आता रहे। आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप बहुत वेट करते रहते हैं, जैसे कल की क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाया था तो उन्होंने फिर फोन किया था। आप इन पेज से और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ
कि आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल हरेंद्रा मैथ्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जुड़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। और ये अच्छी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही है बहुत सारी चीज़ें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैं उम्मीद करूँगा कि बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइएगा, आज कंसेप्चुअल क्लास है तो क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे अपन। 16 सही 2/3% 16 2/3% और 16 सही 2/3% होता है 1/6। अब इसने बोला है कि ये अगर 6 है तो 1 होके आ जाएगा 7, 6 का स्क्वायर है 36 और 7 का स्क्वायर है 49। 2 साल है तो स्क्वायर कर दिया। अब इंस्टॉलमेंट बराबर बनानी है क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो ना भाई, उसने तो बोला है यार 2 बराबर किस्त, और इससे ज्यादा क्या करेगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। और मेंस वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, लाइव क्लास लेंगे तो ही ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि आप डाउट पूछ सकते हैं। अब इसको अगर मैं गुणा में 7 कर दूं इसका, तो इधर भी गुणा 7 हो जाएगा और 7 6 42 और 36 तो अगर मैं देखूंगा तो 78 आ जाएगा। अगर आपने किसी से 78 रुपये लिए हैं तो इंस्टॉलमेंट कितने की, 49 की। लेकिन इसने बोला भाई आपने राशि 78 थोड़ी ली है, आपने राशि कितनी ली है 234। अब आपको देखना है कितने गुणा पर बैठा है, 3 8 24, 3 7 21 और 1 22। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया क्वेश्चन में बैठा, प्रत्येक मान उतने गुणा है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुणा है, तो एक मल्टीपल अपन को ढूंढ लेना है। तो 49 का भी अगर मैं 3 गुणा करूंगा तो 147 आंसर आ जाएगा, 147। क्लियर है मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को सीखते चले जाइए, लिखते चले जाइए, आपके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट्स बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बिहार से, ज़्यादातर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर, क्योंकि बिहार वाले बच्चों के अंदर मुझे लगता है कि राजस्थान के बच्चों से ज़्यादा जुनून क्रिएट हो गया है। तो आप भी मैसेज किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को सीखेंगे ना तो आप का इंप्रूवमेंट की गारंटी मैं दे रहा हूं, 100% इंप्रूवमेंट है। एक बार अपने आप को उस काबिल बनाओ तो सही आप। और जैसे ऑफलाइन के अंदर जिस एनर्जी से हम लोग पढ़ाते हैं ना, मैं कोशिश करता हूं धीरे 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 हम लोग उस जगह पर पहुंच जाएंगे कि हाँ उसी एनर्जी से आपको पढ़ा रहे होंगे, उसी कंटेंट को पढ़ा रहे होंगे, कि ताकि आप अपना घर बैठे भी समय को बेहतर सदुपयोग कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं आज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा। इस बार अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन करवाए हैं आपको, वो करवा दिए हैं 2 साल तक, और अब जो क्वेश्चन आएंगे ये क्वेश्चन आ जाएंगे 3 साल पे। क्वेश्चन आ गया है 3 साल का, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि 1 घंटा पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस संयम दिखाना पड़ता है। अभी मैंने बताया ना, अनुशासन दिखाना पड़ता है कि पढ़ना ही है। एक बार वीडियो देख के भागने का मन करता है कि आज तो मुश्किल चीजें चल रही, आज नहीं, जिस दिन आसान चलेंगे उस दिन पढ़ूंगा। अरे मुश्किल भी पढ़ो, आसान भी पढ़ो, अट्रैक्टिव चीजें भी पढ़ो, जो अट्रैक्ट नहीं करती वो भी चीजें पढ़ो, क्योंकि जीतने के लिए हर हथियार आपको जरूरत है। अब देखिएगा, इसने बोला कि 20%, अगर मैं यहां से बोलता हूं 20% है 1/5, आपने किसी से 5 रुपये उधार लिया तो 1 रुपये के साथ कितना हो जाएगा 6, 5 का स्क्वायर कर दो 25, आपने किसी से 25 लिए हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 5 का क्यूब कर दिया 125, तो 6 का क्यूब कर दो 216, 6 का क्यूब कर दो 216। क्लियर है बात। अब इसने क्या देखा कि इंस्टॉलमेंट जो लौटाने वाली राशि है ना, यही तो इंस्टॉलमेंट है भाई, लौटाने वाली राशि को बराबर बना लो, क्योंकि 216 है, 3 साल है ना, इसलिए क्यूब तक ले आए, 216 है, तो इसकी अगर मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो ये 216 बन गया, और इसकी अगर मैं 36 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 216 हो गया। क्या 216 हो गया। अब रेशियो तो मेंटेन करके चलना पड़ता है, रेशियो कंसेप्ट है सारा। तो इधर भी आप 36 की गुणा करोगे, इधर भी आप 36 की गुणा करोगे, आप इधर 6 की गुणा कर दोगे, इधर 6 की गुणा कर दोगे, और इधर किसी की गुणा ही नहीं करनी, तो 180
और 150 और 125, अगर आप इनको जोड़ेंगे ना, 180 और 150, तो 20 देके 200, 330, 430 और 455, 455 रुपए अगर आपने किसी से लिए हैं, इन सबको अपन ने जोड़ दिया। अगर 455 रुपए आपने किसी से लिए हैं तो इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी है, जो लौटाने वाली राशि है वो कितनी है, 216। अगर आपने किसी से 455 रुपए लिए हैं तो लौटाने वाली राशि कितनी है, 216। लेकिन इसने बोला कि आपने 455 नहीं लिए हैं, बस इस बात का ध्यान रखना है कि वैल्यू इधर वाली दे रखी कि इधर वाली। इधर वाली दे रखी होगी तो किस्त का नाम लेगा, और इधर वाली दे रखी होगी तो टोटल अमाउंट का नाम लेगा। तो इसने बोला 1820 की राशि को उधार लिया था, तो 455 की जगह पर आगे लिया था उसने 1820। कितने गुना पर बैठा है, 4 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रतीक मान उतने गुना है, प्रतीक वैल्यू उतने गुना है, तो आंसर आ जाएगा 864। बड़ा आसान से समझ आ रहा होगा, और इंस्टॉलमेंट का चाहे बैंक के एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर, किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, आज की क्लास के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैथ क्लास के अंदर ही सीखने पड़ते हैं, न तो ज्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसकी यहीं की यहीं प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो प्रैक्टिस भी बहुत कम करनी पड़ती है, मैं आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि समय लगता है, लाखों की भीड़ में से समय लगा के नहीं गुजर सकते हैं, आपकी तलवार की धार तेज होनी चाहिए। धार तेज रहेगी तो उतने ही समय में दुनिया 10 क्वेश्चन करेगी, आप उतने ही समय में 40 क्वेश्चन कर देंगे। तो अब बताइए, समय तो उतना ही है सभी के पास भाई, बस मेथड्स के अंदर धार होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। जैसे पिछली क्लास के अंदर सिखाया था, आज भी मैं आपको वैसे ही मेंस के इतने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन दिखाऊंगा। अभी अभी तो हम लोग ये कंसेप्चुअल चीज पढ़ रहे, मैंने बोला था ना कि कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन, कुछ क्लास ऐसी रहेंगी, तो आज ही वैसी ही क्लास है कि कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन के साथ में कैलकुलेशन हमारी फास्ट होती चली जाए। समझ आ गया, अरे कमेंट करते रहा करो, और कमेंट के साथ में अंगूठे का निशान उसको भी दबा दो, ताकि हम लोगों को लगे कि हाँ आप सीख लिए हैं। भाई पता कैसे चलेगा, आपसे कम्युनिकेशन से ही तो बातें आगे बढ़ेंगी ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये, और अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, ₹16,224 के नगद भुगतान तथा दो अन्य उतनी ही धनराशि की किस्त, मतलब कुछ पैसा तो तुरंत दे दिया 16,224, और दो अन्य उतनी ही धनराशि की किस्त, मतलब किस्त की राशि भी 16,224 है। देखिए कितनी लैंग्वेज को कितना स्पष्ट तरीके से लिखा है, कि ब्रेक कर करके पढ़ें तो समझ में आता है। 2 वर्षों में देने का वादा किया, मतलब वर्षों के अंदर। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता था। स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य ज्ञात करें कितना होगा, ठीक है। देखिएगा 4%, मैं अगर इसको यहां पर लिखूं, 4%, 4% होता है 1/25। जो नगद दे दिया उसमें तो इंटरेस्ट जुड़ेगा नहीं, सिर्फ किस्त वाली राशि में इंटरेस्ट क्यों जुड़ता है, क्योंकि किस्त थोड़ी लेट दी जाती है, इसलिए उसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ता है। अगर आपने 25 रुपया लिया तो ये हो जाएगा 26, 2 साल में है। अगर 625 लिया तो ये हो जाएगा 676। बराबर बना लो, बराबर बनाएंगे तो इसकी कितने से गुणा कर दी, 26 से, क्योंकि किस्त तो बराबर बना लेना, उसने खुद बोला तो बराबर किस्तें हैं भाई, वो कह रहा है इसलिए बराबर बना रहे हैं अपन, वो खुद कह रहा है कि दो बराबर वार्षिक किस्तें, तो बराबर बना लो। इधर अगर 26 की गुणा है तो इधर भी मेरी 26 की गुणा हो जाएगी, और 25 का 150 150 बचा 15, ये आ जाएगा 650, 600 600 1200, तो ये टोटल हो गया है 1275। अगर 1275 रुपये आपने किसी से लिए है ना, तो इंस्टॉलमेंट बनेगी 676 रुपये। अगर 1275 रुपये आपने किसी से लिए हैं तो
तो जब आप उसको पैसा लौटाओगे उसकी शर्तों के अनुसार, तो आपका इंस्टॉलमेंट कितने की बनी? 676 रुपए की। लेकिन इसने बोला कि इंस्टॉलमेंट 676 की है ही नहीं, इंस्टॉलमेंट कितने की है? देखिए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन अंदर अगर आपको वहां पर क्वेश्चन करने हैं तो कभी कभार संयम से वीडियो को देखना पड़ता है। कभी कभार अच्छा वीडियो लगता है तो लगता है कि देखता रहूं, कभी कभार लगता है कि यार आज तो कैलकुलेशन मुश्किल है। इससे अगले क्वेश्चन से धीरे धीरे वैसे क्वेश्चन जो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी था एकदम से। मुझे भी पता है कि दिन मतलब कहते हैं ना कि सीखने में मुश्किल आती है, लेकिन जोर वाली चीजें सीख लोगे तो बड़ा बेहतर रहेगा ना, आप लोगों के लिए तो सिखा रहे हैं अपन। देखिएगा 16,224, 676 से। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यार मैं इसकी 10 से गुणा करता हूँ, देखो एक बार मेरे साथ साथ सोचना, इसकी मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 6,760 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो हाँ कि ना, बताते रहा करो। 6,760, 6,760 से तो बहुत दूर है, क्योंकि 6,760 होता है, मान ले 7,000 भी मैं मानता हूँ तो 7 दूनी 14, यानी 20 से भी डबल हो गया। अब 6 की मैं कितनी बार गुणा करूँ कि लास्ट में 4 आ जाए? 6 चौका 24, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 20 तो था ही था, 4 और, तो 24 से गुणा होगी। समझ आ गई होगी बच्चों को कि 24 की गुणा हुई है। तो भाई मैं इसका भी, मैं 24 की गुणा अगर मैं कर दूं तो 24 पंजा 120 बचेगा, 12, 24 सत्ता 168 और 12 180 बचेगा 18, 24 दूनी 48 और 18 66, तो बचेगा 6 24 और 6 30, तो 30,600। 30,600 रुपये उसकी उधारी रहती थी, इसलिए उसको इतने का देना पड़ा उसको इंस्टॉलमेंट। अब उसने बोला कि स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य, तो शुरुआत के 16,224 जो शुरू में दिए थे, और अगर उसी की उसी वक्त और भुगतान होता तो 30,600 और हो जाता, तो ये आ जाएगा 4, ये 2, ये 8, ये 6, ये 4, तो आंसर आ जाएगा 46,824, आंसर आ जाएगा 46,824। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जिसकी घर में बैठ के अपने को कैलकुलेशन करने में मजा ना आए ना, तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में भी नहीं आएगा। लेकिन जॉब लेनी है तो आपको ऐसी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, आपको खुद इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। ऑफलाइन के अंदर हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करवाते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड को उठा के पढ़ाते हैं ना, तभी फिर हर बैच के अंदर हजारों बच्चे जुड़ते हैं, उनको पता है कि वो पढ़ना ही पड़ेगा और वहां पर और इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्योंकि क्लास के अंदर का माहौल होता है। अब आप घर में अकेले बैठे हैं तो इंटरेस्ट तो आपको खुद बनाना पड़ेगा मेरे भाई, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। लाइक जरूर दबाओ, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बिल्कुल, कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट बिल्कुल आसान तरीके से समझा दी आपको कि 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो, शुरुआत में कुछ पैसा दे रखा हो, किस तरीके से। पिछली वीडियो जो फ्राइडे वाली वीडियो थी, अगर उसमें आप देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट लेक्चर नंबर 8, अगर जिसके ऊपर लिख रखा है, अगर वो वाली वीडियो देखेंगे तो इसके प्रीवियस वाली चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी। जो बच्चे बाद में जुड़ते हैं ना, वो हमसे पूछ लिया करो, या वो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट देख लिया करो। एक शेड्यूल से हम लोग चला रहे हैं हर चीज को, धीरे धीरे आप लेट जुड़ते हैं तो बस इतनी सी बात है कि इंटरेस्ट कम बनता है, लेकिन अगर आपने संयम के साथ, अनुशासन के साथ क्लास को सुनते रहे ना, तो चीजें बहुत बड़े लेवल पे सीख जाएंगे। और अब देखिएगा इसके आगे वाले क्वेश्चंस पर आते हैं, अब देखिएगा कितने जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं आज थोड़े से कैलकुलेशन के। ये 2018 के प्री का क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, 2018 SSC प्री का क्वेश्चन है ये, और आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। और आपको आता तो है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता है, सभी को आता है क्वेश्चन, और जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से क्लास ली है उनको तो डेफिनेटली ही आता है। लेकिन मैं आपको अब ये सिखाऊंगा आज कि अब सीख लिया अपन ने कैलकुलेशन, अब अपन सीखते, ये कंसेप्ट सीखा है सॉरी, और अब अपन सीखेंगे कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाती है। ठीक है, देखो 10% है, 10% होता है 1/10। आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए तो 1 साल के बाद आप कितना लौटा देंगे? 11। आपने किसी से 10 रुपये उधार लिए तो दूसरे साल भी 11 और तीसरे साल भी, 3 साल है तो 3 बार लिख दिया,
और 10 गुना 10 गुना 10 तो ये आ जाएगा 1000, और 11 गुना 11 गुना 11 1331, लेकिन हकीकत में ये 1331 ना होकर ये है कितना, 119790, 119790 ये है, पीछे जीरो तो आएगा ही भाई। एक की कितने से गुना करूं कि लास्ट में 9 आ जाए, 9 से गुना करनी पड़ेगी, 9 एकम 9, 9 तिया 27 बचेगा 2, 9 तिया 27 और 2 29 और 2, यानी दिखाई दे रहा है कि 9 और 0 90 की गुना हो रखी है। तो इस 1000 की अगर मैं 90 से गुना करता हूं तो 90 तो ये रहा 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 तो आंसर कितना बन जाएगा, 90,000, आंसर आ जाएगा 90,000। ये हो गया इसका सबसे आसान मेथड कि ये 2018 SSC प्री के अंदर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ले, हम लोग धीरे धीरे आपके लिए सीटें बना रहे हैं, वो डाल देंगे, बस आप अगर चीजें समझ में आंगी होंगी तो बढ़े आगे। अरे बताते रहा करो, हाँ ना का जवाब देंगे, तभी तो ऑफलाइन के बच्चे हाँ ना बोलते रहते हैं। जो बच्चे बाहर ब्रांचेज पे पढ़ते हैं, हम लोगों की जो फ्रेंचाइजी मॉडल ऊपर पढ़ते हैं, वहां पर भी बच्चे हाँ ना में बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट बनता है उनके अंदर, हम लोग इतना मोटिवेशन भर देते हैं ना कि जॉब लेनी ही लेनी है। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सारी चीजें एक तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए बिल्कुल स्टीक तैयारी होनी चाहिए, परफेक्शन के साथ तैयारी होनी चाहिए, ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो उस फील्ड के माहिर हो। ये नहीं कि अपना समय भी चला जाए, अपॉर्चुनिटी भी चली जाए और पैसा भी चला जाए, ये बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी कि तैयारी भी की नहीं मिल पाया। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अब सीरीज आती है कैलकुलेशन वाली, बड़ी शानदार बड़ी जबरदस्त सीरीज। देखिएगा अब इस वीडियो को जितने आपके नॉन स्टूडेंट हैं उनको बुला के अब ये आगे वाले क्वेश्चंस जरूर दिखाइए। जो बच्चे सिर्फ देखना चाहते हैं ना कि कितनी स्पीड से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो देखिएगा अब आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा मैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आज एनटीपीसी के, कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी के और कुछ क्वेश्चन सीजीएल के उठाए हैं, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। ये रहा, परसों की क्लास में मैंने 125 की चीज आपको दिखाई थी, और आज की क्लास के अंदर देखिएगा। अब मुझे एक बात समझाओ, इसने बोला है कि 3000 और 4 और 5 और डिवाइडेड बाई 415, यही तो बोला है, बात समझ में आ गई। अब बच्चा क्या सोचेगा, 415 का पहाड़ा, कि 415 एक बार नहीं जा रहा, अब इसको 6 बार गुना करेगा या 7 बार गुना करेगा और फिर आगे बढ़ेगा इस तरीके से। और एक बच्चा जिसको जॉब लेनी है ना, वो बहाने नहीं ढूंढेगा कि मैंने क्या सीखा था, ये तो बाद की बात है, कहाँ सीखना है कैसे सीखना है ये अब की चॉइस है, पेपर में बैठ के चॉइस खत्म हो जाती है। अब देखिएगा जो बच्चा सीख गया, कल मैंने आपको वो जो अंकों का योग वाला मेथड बताया, मैंने बोला था कि अंकों का योग क्वेश्चन का भी वही होता है और अंकों का योग इनका भी। जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए ना आज की क्लास में, 5 6 क्वेश्चन हो सकते हैं उससे, लेकिन पहले मेरे को कंसेप्ट सिखाना था। अब मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन के ऊपर आ रहा हूं। मैं अगर एक बात देखूंगा तो क्या यार 4 और 5 9 कट गया, ये तो एक बच गया। अच्छा मुझे एक और बात, तो 5 और 4 9 तो ऊपर कितना बच गया, 3 1 से भाग देना तो कोई मतलब नहीं। मतलब है कि अगर क्वेश्चन के अंकों का योग कितना आ रहा है, 3, तो आंसर के अंकों का योग भी 3 आएगा। पहला ही ऑप्शन 713 को देखो, 7 और 1 8 और 3 11, 11 को 1 और 1 2 बाहर। बी ऑप्शन 7 और 2 9, अरे 9 कल बताया था ना, 9 बहुत बदतमीज आदमी भाई साहब, उससे हाथ जोड़ देना, 9 को हटाओ, बचा कितना 3। कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि हाँ इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमको जीत से कोई नहीं रोक सकता है, और जीतना है तो आपको मेथड दूसरों से अलग करने ही पड़ेंगे। हम लोगों के नंबर क्यों सबसे ज्यादा आते थे, हम लोग लगातार एग्जाम को क्यों क्रैक करते थे, जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे ना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेहनत करने का नजरिया अलग होना चाहिए, स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। समझ में आ गई, अरे बड़े आ गए, अरे लाइक करो, लाइक करके कमेंट करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि हाँ आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है, नहीं तो लगता कि खाली रूम में हम दो लोग आमने सामने बोल रहे हैं। जब आप अपनी बात को पहुंचाएंगे, मैंने बोला कि क्लास के साथ इंटरेस्ट वैसा ही होना चाहिए जैसा आप व्हाट्सएप पे किसी से मैसेज करते हुए रात 12 बजे इंटरेस्ट होता है। जब वो इंटरेस्ट यहां होगा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके घर के अंदर जॉब मैं दिला के लाऊंगा, सिर्फ आप
आप में अगर एक आपको इंस्पेक्टर की जॉब मिले, एक आपको कलर की जॉब मिले, तो कौन सा चाहता है कि नहीं मेरे को इंस्पेक्टर नहीं कलर का बना दो। भाई सैलरी सबको अच्छी लगती है, एक 20,000 की सैलरी वाली जॉब और एक 1 लाख की सैलरी वाली जॉब। तो बड़ी अगर सैलरी चाहिए ना तो मेहनत भी स्मार्ट अप्रोच के साथ चाहिए। अब देखिएगा ये क्वेश्चन SSC मेंस 2017 का आया हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 121, यहां से आज की एक और शानदार चीज मैं आपको सिखाता हूं, ये तो बहुत ही अच्छी चीज आ गई है आज। इस तरह की जो लगातार संख्या होती है ना, देखो 121, एक दो फिर वापिस आ गया एक, अगले में एक दो तीन फिर वापिस आ गया दो एक, अगले में फिर एक दो तीन चार फिर वापिस आ गया तीन दो एक, अगले में आ गया एक दो तीन चार पांच फिर वापिस आ गया चार तीन दो एक, यही तो हुआ है। अगर इन संख्याओं का स्क्वेयर रूट आपको निकालना है ना, तो जहां पर सीधे नंबर तक जितनी संख्या लिखी है ना उतने ही एक लिख दो। जैसे शुरुआत में कितना लिखा है 121, एक दो, तो यहां 2 बार 1 लिख दो, अगले में एक दो तीन तो 3 बार 1 लिख दो। इस आप 111 111 की गुणा करना वही आएगा, ये आपको आज की याद याद आ जाएगी चीजें आगे जब कभी पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम की चीजें हैं ये, बीच बीच में हर चीज का पता होना चाहिए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, क्योंकि अगला कितना आ गया है तो 3 और 2, तो उत्तर के अंकों का योग भी कितना होगा, आंसर के अंकों का योग कितना होगा, 5 होगा। तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, 5 और 4 9 गायब, 3 और 2 5 और 1 6 नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो आगे से, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 में 2 और 1 3 गायब। अगला देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 का 4 और 1 5, बिल्कुल आंसर आ गया भाई 1 2 3 4 और 4। अब एक बात बताओ, जो बच्चा प्री की एग्जाम देकर मेंस में इंस्पेक्टर के लिए गया और ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मुझे खुद बता दो यार, इस बच्चे को 2 नंबर लेने में काहे कौन सी परेशानी थी? कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। सीधे तरीके से जब सीधी और उल्टी, सीधी और उल्टी, 1 2 1, 1 2 3 2 1, 1 2 3 4, 3 2 1, जब भी कभी इस तरह की संख्या, तो जहां तक सीधी संख्या है ना उतने एक एक लिखते रहो, अंकों का योग निकालो, अंकों का योग निकालो, आंसर आ जाएगा। 2017 के मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे बाहर आ गए होंगे कि भाई बहुत मुश्किल पेपर आ गया, और कुछ बच्चे ये आ गए कि यार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तैयारी तो करनी पड़ती है। आज नेट की कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या अपने यहाँ पे? अच्छा, कुछ नेट की नेटवर्क प्रॉब्लम शायद चल रही है, इस वजह से आप तक बहुत, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे जो देख रहे होंगे तो उन्होंने ही बताया है कि नेट की समस्या चल रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी पहले उससे पहले लाइट की परेशानी थी, कभी कभार ऐसी टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं। तो इसको मैंने एक बार आप स्क्रीन पे डाल दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 थे आपकी स्क्रीन के ऊपर और हो सकता है कि दिखाई दे गया होगा, और एक क्वेश्चन नंबर 10th भी आपको दिखा दीजिएगा, ताकि जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें खुद करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th भी एक बार दिखा दीजिएगा सर, थोड़ा बड़ा करके। हाँ, ये भी क्वेश्चन 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को जो उस दिन मेथड सिखाए थे ना, उन मेथड से बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं इन मेथड्स को, ठीक है? और ये क्वेश्चंस अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे, शायद आज नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है तो क्लास को कंटिन्यू करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे PDF मिलते रहें, धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स डालना स्टार्ट करेंगे। और ये चीज़ें, ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद कर लेना, और जो मैंने शुरुआत में दिखाया था एक बार शुरुआत वाला चीज़ें भी दिखा दीजिए, बिल्कुल शुरू वाली वो चार चीज़ें, जो ताकि जो बच्चे लास्ट में जुड़े होंगे वो एक बार देख लें उन चीज़ों को शुरुआत में जाके, या एंड की अगर वीडियो देख रहे होंगे तो वो एंड में भी दिखाई दे जाएगा उनको, ये वाला। इसको थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिएगा, जिससे धीरे 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 दूसरों से बहुत बेहतर इंसान आप होते चले जाएंगे। तो आज की क्लास नेटवर्क की वजह से यहीं पे करते हैं,
क्योंकि कुछ तो सीखा, चलो इंस्टॉलमेंट का तो थोड़ा मुश्किल क्लास थी आज, तो कुछ तो सीखा है, बेहतर सीखा है, एक बार रिवीजन कर लेना। जो बच्चे आज जुड़े हैं वो पिछली क्लास को जाके जरूर देख लेना, शनिवार वाली क्लास को। तो कल होती है मुलाकात आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके प्यार और प्रेम बना रहे हमेशा, आप लोगों का सहयोग हम लोगों को देते रहिएगा, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होकर आपके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो देखिएगा, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, फिर होती है कल मुलाकात सुबह 11 बजे। चलिएगा, कल तक के लिए टेक केयर।